पहले तो एक भाभी थी, अभी यहाँ पर तीन तीन है, किसको पसंद करूँ? मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े ना जो कि छोटे हो चुके हैं। सभी ने आ जाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमन और आप सबका स्वागत करते हैं एक नए व्लॉग में। तो आज ये आखिरी दिन है हम लोगों के लिए, कल हम लोग यहाँ से ट्रेवल करने वाले हैं यूपी के लिए अपने गांव, और क्यों जाएंगे वो तो फिर अभी तक पता चलेगा होगा, हर बार यही बोलना पड़ेगा। तो फिलहाल सुबह गए थे अब्बा नदी पर और लेमन लेके आए, कितना लेमन लेके आए मैं आपको दिखाऊंगा। एंड आज लास्ट फ्राइडे भी होगा हमारे लिए, अभी मैं पूरा नहा धो के एकदम मस्त रेडी हो चुका हूँ और सभी लोगों का पैकिंग हो चुका है, बट मेरा अभी तक पैकिंग नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी हो चुका हूँ। तो बट मेरा ऐसा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक बैग ही है तो कुछ 5 से 10 कपड़े होंगे ढू ढू करके डालकर बस हो जाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज का डे थोड़ा सा बिजी भी रहेगा क्योंकि पैकिंग वगैरह करना है, मस्जिद भी जाना है, दुकान भी देखना है, एंड साथ ही साथ आज रात को हमारे यहाँ पर एक बंगाली पार्टी है, शादी हो चुकी है तो रिसेप्शन है आज, तो वहाँ पर भी जाना है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मस्ती होगा। तो यही सब आज का आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा जो कि हल्का फुल्का खिचड़ी टाइप हो जाएगा शायद। सुबह सुबह अब्बा जाके नदी पार से लेकर आए हैं मेरे लिए नींबू। एक्चुअली मैं सुबह सुबह नींबू पानी पीता हूँ ना, इसके लिए अब्बा जाके नदी पार से 50 रुपीज का इतने ज़्यादा नींबू लेके आए, और यूपी वाला नींबू ना भाई उसका तो मेरा मुँह में जाता ही नहीं है, बहुत टेस्ट भी अलग होता है और छोटे छोटे भी होता है, महंगा भी होता है। एक लेमन आपका 5 रुपीज़ पड़ता है, बट ये हमारा 50 रुपीज़ का है। अभी यहाँ पे कितने सारे होंगे, शायद 20 से 25 होंगे। पैकिंग के लिए अपने बैग को भी निकाल कर रख चुका हूँ, और ये बैग भी बहुत अच्छा बैग है, इससे पहले भी मैंने लिया था, वो भी मैंने 4 साल यूज़ किया जो कि अभी भी प्रॉपर पूरा मस्त है, बट एक लॉक खराब है जो कि चेंज करने से वो पूरा मस्त हो जाएगा। फिर दिन वो बैग को यूज़ किया था, अब्बा ने बोला एक नया ले लो, कितने यूज़ करोगे तो मैंने नया ले लिया। एंड फिलहाल यहाँ पर चेकआउट गाइस, यहाँ पर आ चुका है अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, वैसे आप समझ नहीं आ रहा होगा क्या है ना, बट दिस इज बकरी का पेड़ और यहाँ पर पपीता डाला हुआ है, साथ ही साथ अपना फेवरेट रोटी। सो यही है आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, एंड जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था ना उस समय भाई क्या मस्त वाली वेदर दिख रही थी एकदम धूप, और जैसे खाने का ख़त्म हुआ ना उसके बाद तुरंत बारिश शुरू हो चुकी थी, अभी फिर तो छूट चुकी है, बट वेदर आप देख लो भाई कैसा हो रखा है। बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है भरोसा नहीं, बट हल्की हल्की तो हुई थी। एंड एक चीज़ के लिए थोड़ा बहुत अफसोस लग रहा है क्योंकि आज एक रिसेप्शन है, बेचारा कितना मेहनत कर रहा होगा, उस समय अगर बारिश आ जाए ना बेचारा का प्लान, मतलब बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, और कोई कोई लोग तो इतना प्लानिंग बना के रखे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे पहनेंगे, पर बारिश में ऐसा सब चौपट हो जाता है, एंड होपफुली दुआ भी करते हैं कि बारिश ना हो। कोई सी भी जगह पर जहाँ पर नेचर ज़्यादा होते हैं ना, और उस वक्त पेड़ों में नए नए पत्ते निकलते हैं ना भाई साहब, क्या मस्त ब्यूटी दिखता है, एकदम आँखों को सुकून देता है। फिलहाल यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको, यहाँ नए नए पत्ते निकल रहे ना, एकदम मस्त लग रहा है। कुछ दिनों बाद तो और भी ज़्यादा निकलेंगे, तो उसके बाद तो मस्त आया है, बहुत अच्छा लगता है जब ग्रीन पूरा आँखों में लगता है ना, एक अलग सा ठंडा लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के आएँगे फिर उसके बाद अपना पैकिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े ना जो कि छोटे हो चुके हैं, पहना ही नहीं हूँ मैं, वैसे ही पड़े हुए, अभी सोच रहा कि कौन सा लेके जाऊँ, जो जरूरत है वही निकाल लेंगे उसके बाद लेके जाएंगे। छोटा कोई को देगा, कोई पहन लेगा तो अच्छा है ना, तो लेके अभी जो पहले अभी ले जाने का वही नहीं है, इतना ज्यादा सामान है। आधे घंटे लगा और पूरा अपना पैकिंग हो चुका है, और पैकिंग करना भी भाई साहब आसान ही है, और इस टाइम ना मेरा बैग पूरा खुला खुला है। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं लास्ट टाइम जब गया था उस समय ठंडा था, तो क्या गर्म कपड़ा लेके जाना पड़ रहा था, तो गर्म कपड़े की वजह से पूरा टाइट हो रखा था, कम्बल भी लेके जाना पड़ता था, बेडशीट वगैरह समथिंग कुछ करके तो टाइट होता, बट इस टाइम सिर्फ गर्म कपड़े, मतलब हल्का फुल्का जो अपना बॉडी में भी रिलैक्स थे, और थोड़ा हैंडसम बनने वाला भी ले लिया हूँ, और कुछ ये कपड़े जो कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, गर्म कपड़े ये तो यूज़ करने का लायक भी नहीं है, बट यहाँ पर जब काम वगैरह करना पड़ता है ना तब हो जाता है, तो ये कुछ कपड़े
कपड़े छोड़ दिया हूँ, और ये वाला जो कुर्ता हो रहा है ये मेरे इसमें ना मेरा 6 महीना जो पेट है ना डायरेक्ट 8 महीना दिखता है, इसीलिए मैं ये नहीं ले रहा। और बाकी सब ये कुछ जो कि नए नहीं है, पहन नहीं पाता हूँ, छोटे हो गए सारे। तो देखता हूँ अगर अम्मी बोलेंगे कि लेके चलो वहाँ पर किसी को दे देंगे तो लेके जाएंगे, अदरवाइज इसको यहीं पर रखेंगे, किसी ना किसी को तो दे देंगे। पर पूरे अच्छे अच्छे धो देंगे ना तो और मस्त दिखेगा, बिक जाएगा धोने के बाद। कल से मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा क्योंकि सुबह सुबह उठ के घर से बाहर निकलने के बाद यही नेचर देखने को मिलता है, एकदम खूबसूरती। तो इसको मैं कल से बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। हाँ फिलहाल दोस्तों अपना सब पैकिंग वगैरह हो चुका है एंड अभी भी थोड़ा थोड़ा बाकी है जो कि कल निकलते समय और पूरा कंप्लीट होगा। एंड अब रात का सिर्फ देरी है क्योंकि रात को जाएंगे, थोड़ा सा मस्ती होगा, आज मस्ती कल से फिर ट्रेवल थकान तो होगा ऑब्वियसली, बट होपफुली कि जर्नी अच्छा रहे और कैसा रहेगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम छोटे थे उस वक्त जब आपा कोलगेट वगैरह लेकर आते थे ना, उस समय हम लोगों का जितने भी बहन भाई मिलते ना आपस में झगड़ा होता था कलर चॉइस करने के लिए। आज भी वो दिन याद है, बहुत अच्छा लगता था कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए वगैरह वगैरह। बट अभी तो बचपना भी ख़त्म, अब मैच्योर हो गया, जो भी दे दो हमें बस दांत साफ करने से मतलब ऐसा हो गया। पहले के समय तो भाई नहीं मेरे को ये कलर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ऐसे होता था, बट अभी कुछ नहीं है। तो मैं तो अभी दुकान बन के घर पे आ चुका हूँ और रेडी वगैरह भी हो गया। रेडी तो कुछ होना ही नहीं, सिंपल ही है, बस चेहरे में पानी मारा और थोड़ा सा ये करके बस ऐसे चिपका दिया, क्योंकि भाई कितना भी रेडी हो के जाओ जिसको देखना होगा ना तो ऑब्वियसली देखेगा, इसीलिए मैं सिंपल में जा रहा हूँ एंड होपफुली कि सभी लोग मुझे देखे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस सब सोच सकते हो वैसे ही वैसे। एंड अभी बहन लोग रेडी हो रहे हैं, उन लोग जब आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा एंड वहाँ पर क्या क्या हो रहा है हल्का फुल्का आपको दिखाते रहेंगे। और फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रिसेप्शन के जगह में जहाँ पर सभी लोग हैं, और यहाँ पर अपना बहन लोग भी आ चुके हैं एकदम सुंदर सुंदर होकर। फिर यू टर्न मार के दिखा सके ना, वाह सारी लगा कर पूरे मस्त से कुछ इतने सारे लोग, और वहाँ पर है कपल्स, वेडिंग कपल्स, वाह सभी लोग मस्त है। और कुछ दिनों बाद तो हम लोग के घर में भी ऐसे ही होगा ना, है क्या चीज सभी ने आ जाओ अंदर आओ, वाह वो अकेले गया सकीना, अकेले देने के लिए गया, जाओ है वाह कितना सुंदर लग रही है ना, ऐसे सुना सुना लग रहा है, ऐसे कंधे में हाथ रखना तो एक मस्त लगेगा अभी। एनीवेज कांग्रेचुलेशन, हाथ मिला लो, भाभी से नहीं मिलाएंगे बाद में, भाभी नहीं जा रहे, भाभी जाओ ऊपर, वाह बस इस स्टेज में मेरा कमी दिख रहा है, हम आने से एकदम हैंडसम हो जाता है स्टेज में वीडियो बना रहा है। क्या बोले भाभी, क्या बोले, माकुम का है, अभी माकुम का नहीं, अभी गुना नगर का हो गया पहले माकुम का था वीडियो बन रहे हो गया। ओ भाभी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, पेट रहा तो मस्ती करना तो पेट रात हो गया पहले तो एक भाभी थी, अभी यहाँ पर तीन है, किसको पसंद करूँ हाँ किसको स्पेस नहीं है पंकज भैया, नो स्पेस, वाह वाह बड़े बड़े लोग खा रहे खा रहे नहीं अपने लिए स्पेस नहीं है, चले पंकज भैया बाहर चलिए, अभी अपने लिए स्पेस नहीं है। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं अपना अभी डिनर करने के लिए, बहुत मुश्किल से मिला भाई इनका एक बहुत स्पेशल राज बताता ये खाना खा रही है उसके बाद लिपस्टिक बचा के कैसे खा रहे थे, कैसे दीदी बताए तो कैसे खा रहे थे ऐसे बचा बचा के खा रहे थे। अभी बारी हम लोग यहाँ पर बैठ के खाएंगे एंड होपफुली कि अभी यहाँ पर तो कोई ना उठाए, पर राइस दाल पनीर की सब्जी पापड़ और साथ ही साथ फिश है, बट मैं फिश नहीं लिया क्योंकि मैं मछली खाता नहीं, बस अपना पनीर लिया बस यही कुछ है अभी। एंड साथ ही साथ मिला है हमें क्रिस्टल ड्रॉप वाटर, तो ये अपना डिनर जल्दी से कर लेते हैं। एंड एक चीज़ मिस कर रहा हूँ वो है अपना रोटी, और इतना ज़्यादा चावल दे दिया पता नहीं खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, बट ट्राई करेंगे।
अभी रिसेप्शन से आ चुका है घर पे एंड आज काफी ज्यादा एंजॉय किया है एंड आज के ही दिन ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका समय 2:10 हो चुका है। काफी लेट आया क्योंकि एंजॉय किया, क्योंकि आज के बाद फिर पता नहीं कब एंजॉय करने मिलेगा क्योंकि अपने दीदी के शादी में तो इतना एंजॉय नहीं, मैं काम ही करते रहना पड़ेगा। तो होप आपको यह ब्लॉग अच्छी लगेगी एंड ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा एंड कल मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।